एक ओर जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपने फतेहपुर दौरे पर पहुंचे, तो वहीं उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में मुरादाबाद पहुंचे यूपी के कानून एवं विधेयक मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और उनके नेता का दायित्व प्रारंभ से ही समाज में विनिवेश फैलाने का रहा है, ये पूरा देश जानता है, उनको पता है कि क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी धर्म गुरुओं को सम्मान करती है और सबको साथ लेकर चलती है और बाकी अपना वो जाने। दरअसल वो उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूजा को करने को लेकर कहा था कि हमने ये जिम्मेदारी अपनी पत्नियों को दे दी है। अब भाजपा बताइए, कहीं जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अब भाजपा नेता अधिकारियों के साथ मिलकर शराब के कारोबार करेंगे, तो उनका कहना है कि पहले उनसे पूछे कि उनके कितने मंत्री जेल में, या आप ही हमारी तरफ से पूछे कि उनसे कि उनके कितने मंत्री जेल में हैं, क्या गिन पाएंगे आप। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टैलेंट लेकर चलती है और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। वही जब राहुल गांधी के किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो अप्रासंगिक हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और उनके नेता, समाजवादी पार्टी और उनके नेता का प्रथम दायित्व तो समाज में विद्वेष फैलाना प्रारंभ काल से रहा है। दुनिया के लोग जानते हैं और भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं और उनको पता है क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब की सरकार है, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में, पंचायत चुनाव में जहां जिस तैयारी के लिए हम लोग बैठेंगे, आप देखेंगे कि पंचायत चुनाव में सबकी सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। दरअसल वो क्या करने वाले हैं ये मुझे जानकारी नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने धर्मगुरुओं का, सभी धर्म स्थलों का सम्मान करती है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं और वो क्या करेंगे वो बताएंगे। सर, चुनाव के बारे में भी उन्होंने बोला है कि भ्रष्टाचार अब और बढ़ने लग जाएगा। दरअसल उनसे पूछिए, उनसे पूछिए उनके कितने मंत्री जेल में है, उनसे आप सवाल पूछिए जाकर के हमारी तरफ से, हमारी तरफ से पूछिए, आप भी बताइए उनके कितने मंत्री जेल में, अब गिन पाओगे आप। हमारे सबसे खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता के साथ चल रही है और समाजवादी पार्टी के लोग जो आरोप लगाते हैं उनसे पूछे कि कितने मंत्री अभी उनके जेल में हैं। उनका कहना यह है सर कि अधिकारियों के साथ मिलकर अब चुनावों में जो है वो हम आपसे पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता के साथ सबको साथ लेकर के चलती है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लागू की है और उसके तहत हम प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का दायित्व, उसके सम्मान का दायित्व हमारी सरकार का है, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने कहा है कि नियत साफ नहीं है, जिनकी तारीख पर तारीख, आप ऐसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो अप्रासंगिक हो, तो कृपया जनता के हित की बात और जो सरकार काम कर रही है, हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं, हम सब मिलजुल करके काम करेंगे तो मुरादाबाद को, प्रदेश को अच्छा बना सकते हैं।